पर्युषण पर्व जैन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल भाद्रपद माह में जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समाज के लोगों द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। दिगंबर पंथ के पर्युषण पर्व के समापन पश्चात बेटवा नगर में विशाल चल समारोह और वरघोड़ा निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त हुआ, जहां स्नेह वात्सल्य का भी आयोजन किया गया। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना कर महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। बैटमा नगर के जैन दिगंबर श्री संघ के बुधवार को पर्युषण पर्व पूर्ण होने पर नगर में जोरदार वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें सारे तपस्वियों जिन्होंने 2, 5, 9 तथा 10 उपवास किए थे, सभी तपस्वियों का वरघोड़ा पूरे नगर में भ्रमण करते हुए निकला। इनके साथ में भगवान श्री भी विराजमान होकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए हर्षोल्लास के साथ निकले, जिसमें युवाओं की टोली नृत्य करते हुए चल रही थी। वरघोड़े का समापन देपालपुर रोड स्थित मंदिर में हुआ। तत्पश्चात सभी तपस्वियों का मंदिर में बहुमान किया गया तथा सभी तपस्वियों का पानन हुआ। मान्यता है कि जैन धर्म के इन कर्तव्यों पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दस लक्षण पर्व ऋषि पंचमी से स्टार्ट होकर और अनंत चतुर्थी क्षमावाणी के दिन समापन होता है। आज के दिन जलसा निकाला जाता है और जुलूस निकलता है। इसमें सभी मित्र भाई हम सभी एक होकर नाचते गाते और भगवान जी की पालकी लेके निकलते हैं और मंदिर प्रांगण में रिटर्न आते हैं। यहाँ पर अब भगवान जी का शांति धारा होगी, उसके बाद सभी हम क्षमावाणी का पर्व मनाते हैं, जो कि एक दूसरे से जो भी साल भर में हमसे एक दूसरे से गलती हुई आपस में उसे क्षमा मांगते हैं और सभी से क्षमा मांगते हैं। और आप भाई आए यहाँ, आपसे भी क्षमा मांगते हैं जो कि हमसे गलती हुई इस दस दिन में सब क्षमा करें। जय महावीर। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्ज सोच सत्य संयम अंकिचन ब्रह्मचर्य, इस प्रकार 10 धर्म 10 दिनों से मना रहे हैं, जिसका आज समापन का कार्यक्रम है और छात्म क्षमावाणी पर्व है। इसके अंतर्गत आज सुबह पूजन पाठ हुआ और अभी शोभा यात्रा निकली और सभी का वात्सल्य भोजन रहेगा अभी, और उसके बाद क्षमावाणी पर्व, साल भर हुई गलतियों की सभी एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे। इस प्रकार ये पर्व हमारा मनाया जाता है और सभी अपने आपसी मतभेद मिटाकर और इस पर्व को मनाते हैं। और पिछले 10 दिनों से बड़े ही उल्लास से सभी ने उपवास भी किए, किसी ने 2 उपवास 3 उपवास 10 उपवास तक की साधना की है सभी ने अपनी अपनी शक्ति अनुसार। तो सभी बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं और हर वर्ष ये पर्व आते हैं और सभी समाज उल्लास से मनाती है। आकाश जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।